बांद्रा बस डिपो में किस तरीके से बस के अंदर कंडक्टर और ड्राइवर खा रहे हैं खाना, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। हम जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो वहीं से खरीदते हैं जहां पर हमें भरोसा हो। इसलिए मुमरा में 11 सालों से कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने बेहतरीन सर्विस से लोगों का दिल जीता है। फिर चाहे टीवी हो, एसी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो या फिर स्मार्टफोन हो, ऐसे तमाम गैजेट आपको एक ही छत के नीचे कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेंगे। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स की मुमरा आउटलेट पर आप लोगों का काफी प्यार मिला। पहले आने वाले 200 कस्टमर को एश्योर्ड फ्री गिफ्ट मिलेगा। अब कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स की नई शोरूम ओल्ड नशेमन में डॉक्टर दादन के पास। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बांद्रा बस डिपो का ये वीडियो बताया जा रहा है जो कि सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है, जिसमें सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैंटीन का सवाल है कि बीएमसी करोड़ों रुपया पास करती है लेकिन कैंटीन के नाम पर क्या देती है। आप देखेंगे बिल्कुल बस ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, उनकी लाचारी कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो बस के अंदर ही बैठकर खा रहे हैं। अब ये देखिए कि किस तरीके का जो है सिस्टम पूरा करप्शन और भ्रष्टाचार से भर चुका है। कैंटीन बनवाना चाहिए और अगर कैंटीन बना भी है तो वो इतना बदहाल होगा कि वहाँ पर खाने लायक नहीं होगा। इसके लिए लगता ये बस ड्राइवर और कंडक्टर अंदर बैठ करके खा रहे हैं। हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। अब इस पर ये देखना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी किस प्रकार से इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए बांद्रा बस डिपो पर जो कैंटीन नहीं है उसको लेकर कोई सोच विचार करते हैं। कामगारांवर काय वेळ आले, ना कैंटीन नाही, ना कुठे काय रेस्ट रूम, ना नीट जेवायला। प्रत्येक जन आता बस मध्ये येऊन जेवायला लागला। कामगारांनी जेवायचं कुठे, तुम्हाला काय बोलायचं बोला। बेस्ट कामगारांनी जेवायचं कुठं, कॅन्टीनची अवस्था बघा काय करायला, बाथरूम सारखी झाली आहे। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज के साथ।